अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन, अब यू ऑल कैसे हैं आप? सभी उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी लाइफ व्लॉग चैनल। सर जनाब, आज जो है ना मेरी एक सब्सक्राइबर, उनके बेटे की बर्थडे है, इब्राहिम इशफाक की। हैप्पी बर्थडे टू यू इब्राहिम, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बाद रखा डेरा खुशी आपके नजर में लेके जाए, आमीन सुम आमीन। सो मामा ने यहाँ पर जो है ना सुबह सुबह आकर ये टेक्सचर्स, कल ये बनाई थी, ये सुबह सुबह आकर बनाया, ठीक है। और बाकी ये देखें ये, ठीक है। और उसके अलावा अभी सूरज जो है ना थोड़ा सा ऊपर को आया है अभी, लेकिन मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, मैंने सोचा कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर लेती हूँ जल्दी जल्दी, ताकि बाद में नहीं व्लॉग रिकॉर्ड कर लेती हूँ, बाद में वीडियोस आराम से रिकॉर्ड कर लूँगी, ठीक है। क्योंकि धूप आ जाती है फिर मज़ा ही नहीं आता क्रमलिंग का भी। सो लेट्स स्टार्ट। अभी गला काट काट के बंदा बोर होता है। सबसे पहले तो इससे गोल्डन सैंड से ही कर लेते हैं, ठीक है। ये गोल्डन सैंड, ओहो मेरे मुँह पर लग गया, ये गोल्डन सैंड की शेप्स। हाँ, किसी ने कहा कि आप तो गोल्डन सैंड को भूल ही गई हैं, और वाकई सही कह रही है। चलो अब सही है कि गोल्डन सैंड की जो है ना वो क्रम्बलिंग बहुत ज़्यादा कम हो गई है। ग्रीटी गोल्ड टेक्सचर। आप चार शेप्स दो से तीन शेप्स क्रम्बल की हैं, तो अभी यहाँ पे ना कोई ट्राली शराली आई है, फिर मैं उठ चुकी हूँ। हमारा काका सुबह सुबह ही हमारे पास आया होता है। अच्छा, इस टेक्सचर को दिखाती हूँ आपको क्रम्बल करके, छत वाला टेक्सचर है, ठीक है। अब इसकी मैं सोच रही हूँ कि कौन सी क्रम्बलिंग करूँ, ड्राई करूँ या फिर वाटर करूँ। ये तो क्ले पॉट साफ करने वाले हैं, फिर मैं इसमें क्रम्बलिंग करूँगी। यहाँ पे ब्लैक डर्ट है, ये ब्लैक डर्ट को भी जो है ना मैंने इसकी, ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट टेक्सचर है। अब बड़े एहतियात से पहले इसको बाहर निकालना पड़ेगा, फिर देन इसकी क्रम्बलिंग करनी पड़ेगी। हमारी बेला जो है ना इस ट्रक की आवाज़ से बड़ी डरती है, वो परेशान हो जाती है कि क्या है। यहाँ पे रेड डर्ट आई है, ठीक है, ब्रिक्स आई होंगी ना तो ये ऑब्वियसली रेड डट आई होगी। की मन समझ नहीं आ रहा कितने जावा कितने ना जावा। इधर आते हैं, ये वाले टेक्सचर को क्रम्बल करते हैं। ग्रीटी टेक्सचर है ये, ठीक है। अच्छा चले, अब वो चले गए हैं, मैं फिर वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि उस साइड पे बहुत जल्दी धूप आती है, फिर उस तरफ मुंह करके बैठना मुश्किल हो जाता है। तभी मैं जो है ना जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि यहाँ बैठ के एक वीडियो जल्दी से रिकॉर्ड हो जाए, फिर मैं जो है ना मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक जनाब। मैंने वीडियोस रिकॉर्ड कर ली हैं, अब मैंने सोचा कि यार वीडियो बस करती हूँ, अब मैं व्लॉग बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये वाले टेक्सचर, ग्रीटी टेक्सचर के बड़ा दिल चाहा, फुल ड्राई फ्लोर, इतने प्यारे चंक्स लग रहे थे, मैंने कहा वैसे ही हैंड रेड हैं तो चलो इसके साथ जो है ना हम ये ड्राई फ्लोर क्रम्बलिंग करते हैं। ये टेक्सचर इतना अच्छा हो गया ना, बड़ा ही अच्छा टेक्सचर हुआ है, ठीक है। ये वाला वाइट वाला जो है ना वो कल करूँगी। उसके अलावा मैंने ये प्योर मडर्ट, इसकी मैंने क्रम्बलिंग की तो है, लेकिन ना टेक्सचर लगता है हार्ड हो गया है इतना ज़्यादा, वो इस वजह से क्योंकि इसके अंदर मैंने दूसरा टेक्सचर भी मिक्स कर दिया था, ये देखें, ठीक है। इसके इसको हम डिप करके ना, क्रम्बलिंग करते हैं, ठीक है, दूसरे को भी डिप कर लेते हैं। ओके लोग जनाब, ये देखें,
सीटी दरकार। चलो इतना हार्ड हो गया ना ये टेक्सचर। अब इसको दोबारा से रीन्यू करूँगी और इसमें न्यू टेक्सचर भी डाल दूँगी। चलो अच्छा ही हुआ मैंने वीडियोस नहीं रिकॉर्ड किए अब मज़ीद, क्योंकि ये मस्जिदों में पढ़ाई होने लग गई है ना। देखिए कितनी ज़्यादा इसमें हार्डनेस आ गई है, क्योंकि इसके अंदर मैंने वो ग्रीटी वाला मड जो है ना रेड मड वो भी ऐड कर दी थी। भाई चुप ही हो गए। चलो इसको छोड़ते हैं। ये देखें मम्मा ने ये टेक्सचर रेडी कर दी है, ठीक हो गया और इसकी क्रम्बलिंग करते हैं बाउल में। क्योंकि मम्मा ने अभी सफाई की है तो इसलिए मैंने सारी गंद भरे पड़े। लो भाई ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ये गोल्डन सैंड पे। चलो इसकी थोड़ी सी ये वाली भी करते हैं। चलो आगे चलते हैं। ये वाइट कंक्रीट वाले टेक्सचर की एक शेप क्रम्बल करती हूँ इसके अंदर। ज़बरदस्त टेक्सचर है ये भी।